अरे एक महाराज बाकी दोनों बच्चों दोनों डांस करो और गुस्से में जाओ गुस्से में तुम दोनों। अरे सुन जा रे बस 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 एक मिनट अब आज एकदम एक्शन शौचालय तो है साहब वो कहा है ना कि खुले में शौच करने की आदत पड़ गई है हमें जब तक पिछवाड़े में गाड़ में ना घास ना गर देखिए इन व्यक्ति का जज्बा अपने घर से सैकड़ों दो किलोमीटर दूर रुकना नहीं है चलिए कहा है ना कि खुले में शौच करने की आदत पड़ गई है मजा आ गया किस चीज में मजा आ गया हो शौच करने में खुले में कहा है ना साहब जब तक पिछवाड़े में घास ना गड़े ना मजा ही नहीं आता है साला आपके जज्बे को मेरा सलाम है ठीक है भैया सलाम अभी थोड़ा सा कर ले विद्या उसके बाद मिली बाद में हो ये सब बोलना नहीं है ठीक है जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे डायरेक्टर सर और हम सभी एक्टर मिलकर एक शॉर्ट मूवी का बनाना चाहते हैं और हमारे ये रहे कैमरामैन तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस शॉर्ट मूवी के बारे में और अभी भी देखिए क्या सीन कर रहे हैं ये अपना एक इंट्रोडक्शन बस छोटा छोटा कर दीजिए हाँ सब तो नहीं जैसे कि हमारे ये अभी आपने नेक्स्ट इसमें देखा सीन तक ये शौचालय कर रहे थे और इन्होंने एक देहाती का रोल किया और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं और साथ में हमारे चाइनीज क्या नाम है इनका प्लीज बताइए व्हाट इज योर नेम नाग हाँ नाग और इन्होंने भी अच्छा सीन किया था आपने देखा होगा ये लंच ब्रेक किया है जो कि हमारे ये चाइनीज दोस्त है मेरा चाइनीज जिसको बिस्किट बहुत पसंद है 2020 मैंने खत्म कर लिया शायद ये तीनों नांग का भी रोल किए थे आपने देखा होगा इनको और बहुत ही इंजॉय करते हुए हम लोग एक मुंबई के छोटे से फॉरेस्ट पे हैं और यहाँ के लोग डायरेक्टर सर आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हीं के द्वारा वो डायरेक्शन मिल रहा है आपको जो वीडियो में आप देख पा रहे हैं सिगरेट नहीं दिखाया जा रहा है वो ऐसे नहीं उधर दिखाइए उधर लीजिए साले मर गया उठिए भाई साहब उठिए अबे क्या ले रहा है तू यार उसका भी ना ले अच्छा यहां का तो आवाज एक बार देख लेते हैं डालेंगे कि फेंक खाली दे खराब हो जाए देखो ना मैं टेक्निकली बोल रहा हूं चलो वो कहा है ना कि खुले में शौच करने की आदत पड़ गई है हमें जब तक पिछवाड़े में गाड़ में ना घास ना गर पिछवाड़े में घास ना चुभे ना चलिए एक बार देख पैसे हम ले रहे हैं चलिए पानी खत्म हो जाएगा हल्का हो रहा है जब कैमरा इधर जाएगा हम आके यहाँ पे बैठ जाएंगे आपका लोटा ऐसे दिखेगा ठीक है कैमरा इधर नहीं लेके नहीं नहीं आपका आधे भाई यहीं से इतना दूर रहेगा यहाँ पे रहेगा यहाँ से स्कैन होगा मैं स्टार्ट है शौचालय तो है साहब शौचालय तो पर क्या है ना थोड़ा लाउड बोलो लाउड पानी पीने में दे यार थोड़ी सी लाउड बोलो शौचालय तो है साहब पर वो क्या है ना क्या है ना हाँ कि शौच करने का आदत पड़ गई है शौच करने की आदत पड़ देखिए हम भूल के एक बार दिखा रहे हैं ठीक है शौचालय तो है साहब वो क्या है ना कि खुले में शौच करने का आदत पड़ गया है पिछवाड़े में जब तक घास नहीं गर है ना तो शौच करने का मजा ही नहीं आता एकदम देहाती वाला नहीं
थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, अपने लैंग्वेज में बोलिए, अपने लैंग्वेज में तुम इसी लाइन वही ना बोलो। पिछवाड़े में जब घास ना करे ना तो शौच करने का मजा ही नहीं, शौच करने का मजा ही ना आवे। वेरी गुड वेरी तो हम बोलेंगे ना फिर सर, देखिए इन व्यक्ति का जज्बा अपने घर में आने है। डांस कैसे करना है मालूम है, पूरा श्री देवी कैसे डांस की है, ऐसे चल के पूरा ऐसे पूरा आंख बंद करके आराम नाचते हैं। कॉमेडी है भाई, अरे एक्टर बेशरम होता है भाई, कुछ भी करता है। रेडी म्यूजिक रेडी कैमरामैन समय स्टैंड कैमरा रोल एक्शन। हां कालम सही कले एक और सीधा वा एक और अरे नागिन का इस्तेमाल यार मैं का नागिन नहीं है नागिन है अकन अदाकान मैं तो तुम मेरा प्यार को चीनने की कोशिश की अदाकान ये नाग लड़ने लगे आपस में यहाँ। अभी हम लोग अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, ये देख रहे हैं लोकेशन काफी ऊंचा पहाड़ है और काफी मतलब भयानक जंगल है, भयानक ही कहेंगे। वैसे मेरी सारी पूरी टीम है और अभी हम लोगों की फिल्म शूटिंग अभी है ही, अभी एक दो शूट और भी लेने हैं। अभी हम लोगों का अभी छोटा सा ब्रेक हुआ था, यहाँ हमारे कैमरामैन हैं, यहाँ पे सारे एसोसिएट हैं, सारे मेंबर्स हैं और मैं एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये हमारे कैमरामैन हैं, इनका नाम अली है जो कि अभी फिल्म की शूटिंग यही कर रहे हैं। और सर कैसा रहा एक्सपीरियंस, मजा आया शूट करके? बहुत अच्छा लगा, ऑल द बेस्ट। हाँ तो अब मैं मिलाने वाला हूँ हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, ये अनमोल वर्मा। तो आपको कैसा लगा लोकेशन और आज की शूटिंग का कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे? आज का लोकेशन बहुत ही मजेदार था और यहाँ शूटिंग में तो बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया है, यहाँ एक से बढ़कर एक नाग थे, अच्छे अच्छे लोग थे, काफी मजा आया। और ये मूवी भी बहुत अच्छी है, मैनुअल से वाइल्ड, आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा, आप लोग एंजॉय करेंगे। हाँ so, ये लोग जरूरी देखेंगे। थैंक यू अनमोल वर्मा। और नेक्स्ट ये मेंबर हैं, ये जो कि अभी इस मूवी में नाग का रोल इन्होंने प्ले किया है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे सर। मेरा नाम आशीष है और हम सभी लोग यहाँ पे घने जंगल में आए हुए हैं आज मूवी शूट करने के लिए और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। बस यहाँ पे थोड़ा हमें पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, पानी यहाँ मिल नहीं रहा है पास में। चलिए नेक्स्ट टाइम इसको ध्यान रखा जाएगा, आप प्रोडक्शन टीम से भी बताया जाएगा कि नेक्स्ट टाइम पानी का ध्यान। और ये हमारे एक फ्रेंड है सर, आप अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे। हाय मेरा नाम धैर्य सिले। अच्छा क्या? बहुत मजा आ गया शूटिंग। कैसा लगा मतलब आज शूट करके, आपको मजा आया या नहीं आया? बहुत मजा आया। और ये प्लेस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्लेस है ये, बहुत मस्ती की, बहुत मजा आ गया। ठीक है और ये फिर मैं मिलाने वाला हूँ वारिस अख्तर, जो कि इन्होंने नाग का ही एक रोल प्ले किया था छोटा सा, क्योंकि ये जो मैन वर्सेस वाइल्ड है इसमें बहुत कम ही मतलब रोल है, जिसकी वजह से सभी को चांस नहीं मिला, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये स्टोरी को थोड़ा लंबा लिखा जाएगा। सर आप कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा कैरेक्टर जो था वो नाग का था और हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। सो मैं आयन भाई को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और जरूर देखिएगा, ये रिलीज होने वाला है कल ही। चलिए थैंक यू सो मच। और इनको तो आप जानते ही होंगे, ये भैया जी ये अभी इन्होंने जो रोल प्ले किया है ये गांव का रोल प्ले किया है, ये शौच कर रहे थे, खुले में शौच कर रहे थे और आनंद ले रहे थे शौच का। भाई लोग ये सब तगले बजा रहे हैं। एक मिनट इनका इंट्रोडक्शन मैं करा देता हूँ। रवि आप अपने बारे में बताएंगे सर कुछ? मैं एक गाँव से हूँ, मेरा नाम रवि है, मैं इस मूवी का एक पार्ट करूँ और आपको भी अच्छा लगेगा, मूवी अच्छी बनी है, अच्छे लोकेशन पे। तो कैसा रहा मतलब एक्सपीरियंस आज का, मतलब जो आपका रोल मिला था? फैंटास्टिक, मजा आया कि नहीं करके?
ये मूवी कहानी भी अच्छी है। और ये हैं हमारे चाइनीज घुमड़े। तो आप बताएंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा घुमड़े? आप नाग बने हुए थे, आपने भी एक नाग का रोल किया। यस, आज मैंने मुनी रोल किया था। एकदम फैंटास्टिक परफॉर्मेंस एंड आई एम श्योर एंड दिस कमिटी मेंबर एंड सो मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो। ओके, मैंने दूर से देखा था डायमंड चमकने वाला, मगर सामने आके देखा तो मेरा रवि का मतक देखा एकदम चमक रहा टुक टप टुक टप कड़े हो रहा लोई क्या बड़े। चलिए तो जैसे कि देख रहे हैं कि यह पूरी टीम यहाँ पे फिल्म हाँ फिल्म शूटिंग करते करते काफी एंजॉय कर रही है और मजा आ रहा है शूट करने में। बस तो इतना ही आज के लिए, इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट शूटिंग में, नेक्स्ट मूवी के साथ, न्यू स्टोरी के साथ, नए स्क्रिप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो सब एक साथ बोले ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।